नेक्स्ट टर्म है स्टैंडर्ड टर्नओवर। जिस पीरियड में व्यवसाय को नुकसान हुआ है उसी पीरियड का जो पिछले साल का टर्नओवर होता है उसे हम स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल जनवरी फरवरी मार्च में आपको नुकसान हुआ, तो पिछले साल का जो जनवरी फरवरी मार्च का टर्नओवर होगा उसे हम स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, नेट प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम सारे खर्चे घटाने के बाद में नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, वो एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है। फिर है इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड जो आप बीमा का एग्रीमेंट करते हैं उसमें मेंशन होता है, मतलब कितने पीरियड का आप बीमा करवा रहे हैं उसे आप इंडेमनिटी पीरियड कहते हैं। ये मैक्सिमम 12 मंथ्स का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज। जैसे मान लीजिए आपने 3 महीने का बीमा करवाया तो इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स होगा और आपको क्लेम उसी पीरियड का प्राप्त हो।